हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपको ब्लॉग टेक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक प्लगइन के बारे में कि इस प्लगइन को आप लोग जब भी इंस्टॉल करेंगे आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे तो होगा क्या। अगर आप लोग एसईओ करते हो या ब्लॉग पे नया हो तो आप लोगों को बहुत सारी एसईओ मिस्टेक्स होते हैं, तो ये प्लगइन आप लोगों को मदद करेगा। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो और एसईओ आपका नहीं पता तो आप लोग ये प्लगइन एक हिंट देगा ताकि जो भी एसईओ अपनी पोस्ट को एसईओ करने के बाद ही आप लोग अपने पोस्ट को पब्लिश कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि वो प्लगइन कौन सा है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ 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 में बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मेरा एक वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ये एक डेमो साइट है जो कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ये यूज करता हूँ। तो सबसे पहले तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को प्लगइन के ऑप्शन पर जाना होगा। प्लगइन के ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ऐड न्यू पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली फ्रेंड्स, इस एड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रिक्वायरमेंट सेट लिस्ट। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग रिक्वायरमेंट सेट लिस्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी ऐसी प्लगइन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस रेड आइकॉन का जो भी प्लगइन है उसको आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली इसको इंस्टॉल करने के लिए आप लोग इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गया। इसको सिंपली हम फटाफट एक्टिव कर लेते हैं। सिंपली एक्टिव के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो प्लगइन है आपके यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स करने के लिए आप लोगों को सिंपली सेटिंग्स पर जाना होगा। तो यहाँ पे नीचे देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, तो सिंपली यहां पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, तो यहां पर आप लोगों को देख ही रहे होंगे कि यहां पर फर्स्ट और जो ऑप्शन है वो है पोस्ट का और सेकंड नंबर पर यह है यहां पर पेजेस का। तो सिंपली आप लोगों को टाइटल अगर रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो यहां पर टाइटल को रिक्वायरमेंट कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को फीचर्ड इमेज पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों को कैटेगरी पे रिक्वेस्ट कर दीजिए। कैटेगरी मिनिमम 1 ही रहने दीजिए। उसके बाद आता है आप लोगों का टेक्स्ट को आप लोगों को यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मिनिमम टेक्स्ट जो है वो 3 रखना है और मैक्सिमम जो है वो आप लोगों को 5 रखना है। ये करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद जो पोस्ट का जो सेटिंग्स है वो आपका हो गया। तो उसके बाद आता है आप लोगों का पेजेस। तो पेजेस पे भी सेम है कि यहाँ पर आप लोगों को टाइटल पे भी यस करना होगा। तो फीचर इमेज पे भी यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये करने के बाद आप लोगों का ये जो है एसईओ का जो प्लगइन है इसको आप लोगों को यहाँ पे फुल्ली सेटिंग्स हो जाएगा। उसको करने के बाद सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग जब भी कोई पोस्ट लिखने को जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा टाइटल, फीचर्ड इमेज, कैटेगरीज, टेक्स्ट मिनिमम 3 और 5 और कैटेगरीज आप लोगों का 1 सिलेक्ट किया था तो 1 यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली करता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग जब भी कोई पोस्ट को लिखते हो, अगर इस टूल को आप लोग इस टूल को यूज नहीं करते हो तो आप लोगों को होता क्या है, कभी कभी आप लोग फीचर इमेज देना भूल जाते हो, कभी कभी कैटेगरीज को देना भूल जाते हो या कभी कभी टेक्स्ट को देना भूल जाते हो। तो यहाँ पे ये प्लगइन आप लोगों का करेगा क्या, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पब्लिश का बटन नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर यहाँ पे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप लोग जब भी इस एसईओ का आपका टाइटल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, फीचर इमेज हो गया, कैटेगरीज हो गया, टैक्स हो गया, ये सब देने के बाद ही आप लोग अपने इस पोस्ट को पब्लिश कर सकते हैं। तो सिंपली डेमो दिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक
तो फ्रेंड्स सिंपली मैं इस डेमो जो साइट है और डेमो जो कंटेंट है उस कंटेंट को मैं यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सिंपली ये करने के बाद आप लोगों का ये जो हो गया, तो यहाँ पे ये करने के बाद मैं इसको एज ए टाइटल रख देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को जो कंटेंट है कंटेंट लेना पड़ेगा, तो कंटेंट के लिए मैं यहाँ पर एक कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो सिंपली आपका कंटेंट हो गया और उसके बाद आपका जो टाइटल है टाइटल हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर टाइटल पे टिक सिंह आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने टाइटल और कंटेंट को देने के बाद सिंपली अगर पब्लिश भी करना चाहो तो आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फीचर इमेज कैटेगरीज और टैग्स है वो फिल नहीं हुआ। तो सिंपली ये करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यूज एसईओ प्लगइन देखने को मिलेगा। तो यूज एसईओ प्लगइन पे यहाँ पर आप लोगों को ये करने के बाद एडिट स्निप पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं डेमो दिखाने के लिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे पोस्ट लिखना है, कैसे कंटेंट लिखना है। सिंपली मैं डेमो दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले एसईओ टाइटल, उसके बाद आपको स्लग स्लग को मैं जो टाइटल है वही रहने देता हूँ। तो सिंपली ये करने के बाद इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर सिंपली आप लोगों को पेस्ट कर देना है। तो सिंपली आपका उसके बाद हो गया मेटा डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड्स मेटा डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पर मैंने एक डेमो कुछ वर्ड लिख के रखा है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर एज ए मेटा टैग यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तो बहुत लंबा हो गया। मेटा टैग्स अगर आप नहीं जानते हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हो। तो मेटा टैग्स कैसे लिखा जाता है, कितना वर्ड का होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो एसईओ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसको मैनेज कर लेंगे आई होप। उसके बाद आपका हो गया ये जो हो गया, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा आपका जो हो गया फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड पे भी क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपली यहाँ पर आपका फोकस कीवर्ड दे देना है। दे देने के बाद उसके बाद आप लोगों को आता है यहाँ पे राइट साइड बर टेक्स्ट। टेक्स्ट को देने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पे मैं डेमो दिखाने के लिए तीन जो है वो दे देता हूँ। मेरा जो हो गया टेक्स्ट, सिंपली ये करने के बाद एक ही टैग नहीं आता है, तो यहाँ पे सिंपली दो, तो यहाँ पे सिंपली हो गया मेरा तीन टैग्स। तो यहाँ पे मैंने जैसा भी सेट किया था वहां पे प्लगइन पे, तो यहाँ पे मेरा जो तीन टैग्स जो है हो गया। तो यहाँ पे सिंपली अभी भी सब करने के बाद भी यहाँ पे मेरा जो है पब्लिश बटन नहीं आया। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में ब्लॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आएगा आपका जो टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया और टेक्स्ट भी हो गया। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फीचर इमेज। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को फीचर इमेज देना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर डेमो दिखाने के लिए एक डेमो फीचर इमेज ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे फीचर इमेज में दे लेता हूँ। तो फ्रेंड्स फीचर इमेज देने के बाद यहाँ पर ये देखिए आपका जो है पब्लिश का बटन आ गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप लोग अपने एसईओ को मैनेज कर सकते हो इस प्लगइन के मदद से। तो आई होप ये जो प्लगइन है आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। अगर आप एज ए न्यू ब्लॉगर है, अगर आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज इस प्लगइन को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट या ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरे वीडियो को पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।